सब्सक्राइब कीजिए सास बहु रेसिपीज को, क्योंकि ये सबसे अलग है। हम आपके लिए लाए हैं बेहतरीन ऑथेंटिक रेसिपीज, हाई क्वालिटी वीडियोस, क्रिस्टल क्लियर साउंड, आसान तरीके से समझाए हुए रेसिपीज, हर रेसिपी के साथ इंग्रेडिएंट की लिस्ट। सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना। हाय एवरीवन, सास बहु रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मजेदार स्नैक लाई हूँ और वो है आलू चीज चीला, या तो आप इसे पोटैटो चीज पैनकेक्स भी कह सकते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान है, साथ ही स्पेशली बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आते हैं। आप इसे बच्चों को टिफिन में बना के दे सकते हैं या तो इवनिंग के टाइम पे एज अ स्नैक इसे खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। आलू चीला बनाने के लिए हमें चाहिए तेल, एक बॉईल और मैश किया हुआ आलू, दो अंडे, दो टेबलस्पून मैदा, एक बारीक कटी हुई प्याज, तीन टेबलस्पून ग्रेट की हुई मोज़रेला चीज, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा हरा धनिया, एक टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, नमक चाहिए हमें स्वाद अनुसार, हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। अब सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल और इसमें हम डाल देंगे हमारे अंडे। अब इन अंडों को हमें अच्छे से विस्क करना है, तो ये मैं अंडों को अच्छे से सबसे पहले विस्क कर लूँगी। अब आगे इसमें हम ऐड करेंगे बॉईल और मैश किया हुआ ये आलू। इसे हम अंडों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक फाइन स्लरी या एक फाइन पेस्ट कह सकते हैं आप। हमें एक फाइन पेस्ट बना लेनी है, कोई भी लम्स इसमें रहने नहीं चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे मैदा, तकरीबन दो टेबलस्पून मैदा डाल रही हूँ मैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए इस तरह। अब आगे इसमें हम डालेंगे ग्रेट की हुई मोज़रेला चीज़। अगर आपको और चीज़ी चाहिए तो आप और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें आगे हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अब डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और तकरीबन एक टेबलस्पून जितनी बारीक कटी हुई प्याज, धनिया पाउडर, ये मैंने धनिया पाउडर डाल दी है। आगे जाएगी जीरा पाउडर, चाट मसाला पाउडर, इससे एक टैंगी फ्लेवर आएगा। साथ ही डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। अब आगे इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये अब अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो चलिए बनाते हैं हमारे पोटैटो चीज पैनकेक्स। अब लेंगे हम एक फ्राई पैन और इसमें डालेंगे तकरीबन एक टेबलस्पून जितना तेल। तेल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे और इस तरह थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे। आगे इसमें हम हमारा बैटर डाल देंगे, तो ये देखिए मैंने बैटर डाल दिया है और हल्के हाथों से इसे स्लाइटली हम स्प्रेड करेंगे। छोटे साइज के आलू चीला बनाने हैं हमें, तो ये मैंने एक डाल दिया है। अब इसी तरह हम हमारा दूसरा पैनकेक भी बना लेंगे। एक दो से तीन मिनटों में हमारे आलू चीला एक साइड से अच्छे से पक चुके हैं, ये देखिए लाइट गोल्डन शेड आ चुका है। तो हम इन्हें टर्न करके दूसरी साइड से भी लाइट गोल्डन शेड आने तक पकने के लिए रख देंगे। ये हमारे मजेदार आलू चीज चीला अब तैयार है, तो चलिए इन्हें हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसे केचप या मायोनीज के साथ भी खा सकते हैं।